तो वहीं मुंबई में रिटायर्ड नेवी अफसर की पिटाई के मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने उद्धव सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं गैंग काम कर रही है। साथ ही विज ने कांग्रेस में हुए फेरबदल पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने आखिरी दिन गिन रही है। जो सरकार नहीं चल रही वहां पर गैंग काम कर रही है और डॉन की तरह, चाहे वो फिर कंगना रनावत की बात हो, उसका घर तोड़ने की बात हो, जहाँ एक अधिकारी के साथ मारपीट की बात हो, ये सारे स्टाइल ये दादाओं के हुआ करते हैं, ये भाइयों के हुआ करते हैं, जो भाई कहलाते हैं अपने आप को, ये उनके होते हैं। ये किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के तरीके नहीं होते। प्रजातांत्रिक सरकार संवैधानिक तरीके से हर काम को करती है। ये कांग्रेस जो है वो अपने अंतिम दिन गिन रही है और ये पत्र लिखना और ये कार्रवाई करना, ये उसी प्रकार से है जैसे अंतिम समय में किसी को लाइफ सेविंग ड्रग्स देने की कोशिश करना। कांग्रेस पूरी तरह से अपने पतन की ओर जा रही है। देखिए, कोरोना से सारे विश्व में असर पड़ा है और राहुल गांधी की इतनी बड़ी बुद्धि में इतनी छोटी सी बात नहीं आती है।